माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को हमारे पूरे भारतवर्ष के फौजियों की तरफ से मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता अनुरोध करता हूं कि मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करी हमने और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? MSP बराबर दो हमारे को, पूरी MSP बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लांस नायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, होलदार लड़ता है, सुबदार लड़ता है, उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? हम वो फौज। नमस्कार सभी पेंशनर्स का, मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपने दो तीन दिन से लगातार जो है पूर्व सैनिकों के संघर्ष और उनके प्रदर्शन की वीडियोस लगातार देखी होंगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ये वीडियोस निकल कर आ रही हैं, जिसमें देश के जो है सभी पूर्व सैनिक एक साथ सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन पूरा मामला आखिर क्या है और क्यों इतने ज़्यादा तादाद में हमारे पेंशनधारक इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं, ये डिटेल में हम आपको आज बताएंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन टू की जो विसंगतियां हैं उनको लेकर पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों ने आक्रोश रैली निकाली है। साथ ही जो जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि OROP 2 में हुई बड़ी विसंगतियों से नाराज देश के रिटायर्ड सूबेदार से जवान रैंक तक के सभी पूर्व सैनिक आजकल दिल्ली जंतर मंतर धरने पर बैठ गए हैं। वही आज जनपद जो रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष राय सिंह रावत के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने आर्मी बैंड से मुख्य बाजार होते हुए आक्रोश रैली निकाली। इसी प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो है रैलियां निकाली जा रही हैं और वन रैंक वन पेंशन टू विसंगति को दूर किए जाने के लिए केंद्र सरकार से जल्द मांग की जा रही है। और इसी आधार पर जो है देश के अलग अलग हिस्सों में और सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि OROP में अधिकारियों को 2.81 के पे बैंड पर पेंशन दी जा रही है, जबकि सूबेदार से नीचे रैंकों को 2.57 के आधार पर। ऐसा क्यों? और इसी के साथ MSP पर भी भारी भेदभाव है, जहां अधिकारियों को 15,000 से अधिक धनराशि दी जा रही है जबकि अन्य रैंकों को 5,000 ही। क्यों? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। वर्दी धारकों को एक समान MSP मिलनी चाहिए थी। इसी के साथ डिसेबिलिटी में भी भारी भेदभाव किया जा रहा है, अधिकारियों को 2,00,000 जबकि अन्य रैंकों को केवल 18,000 रुपये ही क्यों दिए जा रहे हैं? इस प्रकार की सभी मांगे हमारे पेंशन धारकों ने रखी हैं। जो भी हमारे पूर्व सैनिक है देश के, उन्होंने ये मांगे रखी हैं, आखिर क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, इस भेदभाव को सही किया जाए। और इसी के कारण ये जो लगातार आप वीडियोस देश के अलग अलग हिस्सों में देख पा रहे हैं, ये जो है धरना प्रदर्शन आक्रोश रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पूर्व सैनिकों ने एकजुट होकर, पूरे देश के सभी जो पूर्व सैनिक हैं वो एकजुट होकर ये रैलियाँ निकाल रहे हैं ताकि सरकार को झुकाया जा सके। और इस प्रकार से ही सरकार झुकती है, जितना ज़्यादा समर्थन होगा सरकार उतनी ही जल्दी झुकेगी। और इस बार जन समर्थन के और जो पूरा पूर्व सैनिक हमारे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने उनकी भीड़ ने एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी पेंशनधारकों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक इस संघर्ष की चिंगारी पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन पेंशन धारकों के लिए जो लगातार इस धरना प्रदर्शन से जुड़े हैं, इनके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स, जय हिंद जय भारत जरूर से टाइप कर दें।